दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये पीडीएफ ईबुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस पीडीएफ ईबुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ईबुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, असील कड़कनाथ, एफएफसी सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी, कारण, इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी पीडीएफ ईबुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, आज फिर मैं अपनी मुर्गियों को एक नया फीड खिलाने जा रहा हूं। तो सोचा चलो मैं आप लोगों को भी जानकारी देता चलूं। तो क्या क्या मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं और ये मैं किन मुर्गियों को खिलाऊंगा, कितने कितने परसेंटेज में इसको मैं मिक्स कर रहा हूं, यदि आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आज मैं इस फीड में मिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें आज इस फीड में मिक्स करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास ज्वार, यानी कि जैसे झुंडी हमारे यहाँ होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि हमारे यहाँ ज्वार होता है, ठीक है, कुछ ज्वार बोलते हैं हमारे यहाँ, अपने यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज्वार मिक्स कर रहा हूँ, इसको मैंने दलिया करवा लिया है। साथ में यहाँ पर मेरे पास मक्की का दलिया है और साथ में यहाँ पर है मेरे पास चावल, ठीक है, चावल को मिक्स कर रहा हूँ और साथ में आपको मैंने बताया ये स्टार्टर। अब ये पहली चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मक्का है इस समय हमें नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर मुझे ज्वार मिल गया, ठीक है, उसी रेट में लगभग, तो मैंने यहाँ पर ज्वार को ले लिया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा जो चावल हम मिला रहे हैं इसमें, तो चावल की जगह पर आप राइस पालिस मिला सकते हो या फिर आप चावल की जो कनकी आती है आप उसे मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चार चीजें मिक्स कर रहा हूँ। तो अब हम आपको बताते हैं कि कितने कितने परसेंटेज में मैं मिक्स करने वाला हूँ और आप इसको कितने परसेंटेज में मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो कि जोड़ी ज्यादा है, ठीक है, ज्वार ज्यादा है मेरे पास, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ 40%। मक्का मेरे पास अभी समय नहीं है बट थोड़ा है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ 20%। और यहाँ पर मेरे पास है चावल, चावल को बहुत ज्यादा नहीं खिलाते हैं इसलिए इसको मैं दे रहा हूँ 10%। ये टोटल हो गया हमारा 70%, 40%, 20% एंड 10%। और यहाँ पर हमारे पास है जो कि स्टार्टर, तो स्टार्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 30%, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से 100% हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो 40 किलो ज्वार, 20 किलो मक्का, 10 किलो राइस और 30 किलो हमारा हो जाएगा स्टार्टर, ठीक है। तो ये चारों चीजें मिलाकर के हो जाती है हमारी 100%, यानी कि 100 kg। तो इस तरह से मैं इसको, तो हम इसको मिक्स करते हैं। चलिए, मिक्स करने से पहले भी हम आपको ये बता देते हैं कि ये हम किन किन मुर्गियों को भी खिला सकते हैं। देखिए, आपके पास जो भी मुर्गियां हैं, चाहे छोटा चूजा हो या बड़ा चूजा हो, आप किसी को भी ये खिला सकते हो। लेकिन ये अगर आप से ये सोचो कि इसको खिला करके हम अपने जो बर्ड है उसका जल्दी से वेट गेन कर लेंगे तो नहीं होगा। तो आपको केवल ये स्टार्टर आपको खिलाना है, ठीक है, या फिर स्टार्टर के साथ में ये चीजें 50% और 50% स्टार्टर आपको मिक्स करके ये आप खिला सकते हो, जो आप मीट के लिए मुर्गियां पाल रहे हो। और मैं ये जो खिला रहा हूँ ये अपना अंडों के लिए जो हमारे पास मुर्गियां हैं, साथ में कुछ मीट के लिए तैयार मुर्गियां हैं, उनको मैं खिलाऊंगा। तो ये ज्यादातर मैं अंडों के लिए और तैयार मुर्गियां हैं मीट के लिए उनको मैं खिलाने वाला। तो दोस्तों, देसी मुर्गियों को खिलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो ज्वार है यहाँ पर, ठीक है, इसे मैं बाउल करके भी खिला सकता हूँ अपनी मुर्गियों को। आप चाहो तो इन्हें बाउल करके भी खिला सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप देसी मुर्गियों के बहुत सारे फीड है जिसकी जानकारी मैंने पीडीएफ ईबुक में दी है। अगर आपने पीडीएफ ईबुक ली होगी तो आपको इसकी जानकारी होगी। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं सबको, ताकि उस जगह थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं।
मिट्टी के जितने परसेंटेज में मैंने बताया है उतना परसेंटेज में मैं डाल लेता हूँ और आपको मिक्स करके बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि भाई आपने सब कुछ बता दिया बट मिक्स करके आपने नहीं दिखाया, तो हम आपको मिक्स करके भी दिखाते हैं। पर मैंने ज्वार 40%, मक्का 20% और चावल 10% और स्टार्टर 30% मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह हाथ से, और ये मैं अपनी जो कुछ अंडे वाली मुर्गियां हैं ज़्यादातर उनको दूंगा, और कुछ हमारी जो मीट की लिए मुर्गियां हैं तैयार हो चुकी हैं उनको मैं दूंगा। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर अभी इस समय अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जिनसे मैं चूज़ा निकालता हूँ, तो मैं उनको दूंगा क्योंकि अभी वो अंडे देना स्टार्ट नहीं किया है बट अब टाइम उनका आ चुका है, लगभग अंडे देना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर मैं उनको भी दूंगा। और साथ में हमारे पास कुछ जो मुर्गियां हैं तैयार हैं जो मीट के लिए हैं उनको भी मैं यही खिलाऊंगा। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।